हो गया सर, चलो खड़े कोई नहीं, घूमते घूमते साइड में आ जाओ। सबसे पहले सीधा लेटना है, सीधा लेटने के बाद पैर को हल्का ऐसे उठा के रखे 45 डिग्री एंगल पे, और ये हो गया नॉर्मल, इसको इसको उठा के रखा, और इसको और थोड़ा टफ बना सकते हैं अगर हम सिर को भी उठाएंगे और इस तरह से रखें, ठीक है। तो जितना देर सह सकते हो उतना देर इसको इसको करना है। तो इसको जितना देर सहा ये 3 बार हो गया, जैसे एक बार करके रह गए, ये 3 बार हो गया, ये थोड़ा नॉर्मल वाला हो गया। नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है सेम वैसे ही, हाथ सीधा रहेगा, पाँव को ऐसे ऐसे उठाएंगे ऊपर, और सिर थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, फिर पैर को लेके गए ऐसे फास्ट, तो कम से कम 25 बार ये करना है, इसका 3 सेट। ये 2 हो गया सेकेंड, उसके बाद जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला थोड़ा सा टफ होगा, पैर ऐसे ही, पैर इस टाइप से रहेगा, थोड़ा हाथ को अपने कान के पास रखा, और जितना जितना उठ सकते हो तो उतना अकेले में जितना कर सकते हो, ये नहीं कि हाँ कोई पैर के ऊपर बैठा हुआ है, फिर तो पूरा उठ सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। किसी को बोल दिया भाई पैर को दबा के रखो और जितना उठ सकते हो, तो कम से कम 20 से 25 बार तो ऐसे 3 रेप्स करना है। उसके बाद हो गया चौथा क्या है, अपना इस पोजिशन में जैसे हम पुशअप मारते हैं इस पोजिशन पे आना है। उसके बाद पैर को एक बार ऐसे किया, इसको सामने से ले लो, मतलब ये भी आना चाहिए, जैसे सामने से थोड़ा सा एंगल से ले लो ताकि दिख जाएगा। हाँ, एक बार पैर को ऐसे किया, दूसरा इसी पैर को घुमा के यहाँ टच करना है, फिर इसको किया, फिर इसको घुमा के यूँ टच करना है। तो ये हो गया 4th स्टेप। उसके बाद अभी साइड में आ जाओ, फिर जैसे हम लोग ये उठते थे यही वाला पोजीशन पे पैर उठा हुआ रहेगा, ये उठाएंगे एक बार ये। तो इस तरह से कम 15 से 20 का रेप्स रहेगा, 3 सेट रहेगा ये। और सबसे लास्ट वाला जो है, पैर ऐसे ही रहेगा, हाथ ऐसे फोल्ड रहेगा, सांस लेना है, तो ये जितना कर सकते हो उसके 3 सेट्स बस। यही है जो पेट वाला एक्सरसाइज।